मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने छतरपुर में कहा है कि कहीं पर भी माफिया नहीं होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लोगों पर हो तो यह गलत है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती छतरपुर में नागरिक संशोधन कानून के तहत आयोजित संगोष्ठी में शामिल होने आई थी। उमा भारती ने छतरपुर में कमलनाथ सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कहा कि कहीं पर भी माफिया नहीं होना चाहिए, चाहे रेत माफिया हो, खनिज माफिया हो या गुंडा माफिया, कहीं नहीं होना चाहिए, इन पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन यह अभियान सिर्फ विपक्ष से जुड़े लोगों पर किया जाए तो यह गलत है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बिल्डर माफिया हो और चाहे वो गरीब जनता को सरकाने वाला माफिया हो, हम भी पहले कार्रवाई करते थे, लेकिन इसमें जो लिस्ट बनती है उसमें एक पार्टी विशेष के लोगों की बनती है और उन पर कार्रवाई शुरू होती है, उसमें देखा शुरू होती है। उन्होंने JNU में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि ABVP का संगठन कभी हिंसा नहीं करता। उन्होंने पुलिस पर घटना के समय लापरवाही करने के आरोप पर कहा कि पुलिस बिना लिखित आदेश यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं जा सकती, सच तभी सामने आएगा जब जांच पूरी होगी। जिनको खींच करके अंदर मातों और भूसों से पीटा जाता है, क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा इसलिए क्योंकि वो किसी के कैंपस के क्षेत्र में हो रहा है? हाँ, पुलिस अपनी मर्जी से नहीं जाती है जब तक कि प्रशासन नहीं बुलाता, और इसीलिए मैं आज भी ये कहूँगी कि जितना मानव अधिकार विद्यार्थियों का है, महिलाओं का है, बुद्धिजीवियों का है, उतने मानव अधिकार पुलिसवालों का है और उनके परिवार के। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।